राम साहब, देख रहे हो वीएमआर भारत टीवी। मैं हूँ आपके साथ चंद्रश्री राजपूत, और महारो राजस्थान में आप सबका स्वागत है। खबर करा हाँ, जिला मुख्यालय स्थित एसआरजी अस्पताल में शनिवार ने डॉक्टर रो दिखाने लिए एक मरीज अस्पताल की चौथी मंजिल से नीचे गिरने पर बिरी मौत के पर ही दर्दनाक मौत होगी। बताया जा रहा है कि मरीज हार्ट पेशेंट हो और दिल रो दौरों पड़ने के कारण वो नीचे गिर गयो, जिसमें बिरी मौत होगी। पुलिस शव रो पोस्टमार्टम करवा रही है और बिरे परिजना ने बिरे पार्थिव शरीर ने सौंप दियो है। जानकारी अनुसार मृतक रईस खान कोटा जिले रे सुकेत कस्बे रो रहने वालों हो और वर्तमान माए मध्य प्रदेश रे शामगढ़ माए रहते हो। वो आपरे परिजना रे सागे शनिवार सुबह झालावाड़ रे जिला अस्पताल रे डॉक्टर दिखाने वास्ते आयो हो। इस दौरान रईस खान आप रिश्तेदार से मिलने अस्पताल की चौथी मंजिल पर गयो। चौथी मंजिल पर चढ़ते समय रेलिंग रे खने ही बिने दिल रो दौरो पड़ गयो, जिसमें वो सीधो नीचे गिर गयो। नीचे गिरते ही रईस खान रे मौके माथे ही मौत होगी। इसमें अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। और पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी दल रे आतंक रो कहर पिछले काफी समय से जारी है। इक्रम माए जोधपुर ओसिया क्षेत्र रे कुछ गांव माए टिड्डी दल प्रवेश कर गयो। टिड्डी दल रे आने रे आशंका रे चलते ग्रामीण युवा रे बुलंद हौसले ने आगे टिड्डी दल रो हार मान उल्टे पाव भागनो पड़ गयो। आपने बता दें कि टिड्डी दल रे हो रही नुकसान ने ले तहसीलदार रामेश्वर छाबा टिड्डी प्रभावित गाँव रे दौर पर जायजो लियो और किसाना से रूबरू होता वया बियाणी पीड़ा सुनी। बठे किसान तहसीलदार सु ज्ञापन सौंप रे सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग करी। सर, जो ओसिया के आसपास गांव में टिड्डी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बारे में प्रशासन की क्या तैयारियां? ओसिया क्षेत्र में वैसे टिड्डी 2 और 3 तारीख को आई थी अपने भीम सागर ग्राम पंचायत में, थोड़ी सी छिटपुटी थी, ज्यादा अपने प्रकोप नहीं था, तो हमने दवाई वगैरह छिड़की थी और काबू पा लिया गया। उसके बाद हमारे क्षेत्र में और बांसखो कस्बे में गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भामाशाह सत्यनारायण सांबरिया द्वारा गरीब 25 बच्चों को ड्रेस वितरण करो गयो। इस दौरान विद्यालय संस्था प्रधान बाबूलाल मेघवंशी और द्वारा भामाशाह सत्यनारायण सांबरिया धन्यवाद ज्ञापित करो और बालिका में काफी उत्साह दिखाई दियो। ये मौके माथे विद्यालय समस्त पूरा स्टाफ मौजूद हो। और आहोर उपखंड माथे एक बार एसोसिएशन चुनावी अधिकार प्रहलाद सिंह जोगा और संरक्षण चंदन सिंह राठौर री देखरेख में निर्विरोध बार एसोसिएशन रे अध्यक्ष पद माथे मांगीलाल चौधरी उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह मांगीलिया सचिव नेहपाल सिंह कबावत ने मनोनीत करो। निर्वाचित पदाधिकारी अधिकारी और अधिवक्ताओं से माल्यार्पण कर स्वागत करो गयो। अवसर माथे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मांगीलाल चौधरी बताया कि उपखंड मुख्यालय माथे मुंसिफ कोर्ट प्रारंभ करने से आगामी दिनामाए एसोसिएशन री ओर से प्रयास किया जाएगा। बयान पंचायत समिति क्षेत्रीय ग्राम पंचायत सालाबाद नवनिर्वाचित महिला सरपंच रतनी देवी जाटव ने सालाबाद राजीव गांधी सेवा केंद्र में पूर्व सरपंच ध्रुव सिंह कंसाना री अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में आप पदभार संभाल। इस अवसर माथे पूर्व सरपंच ध्रुव सिंह और नवनिर्वाचित सरपंच रतनी देवी सहित अन्य नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियां और गणमान्य लोग फूलमाला से स्वागत करें। मौके माथे पंचायत सचिव देवेंद्र सिंह प्रीतम सिंह और रूप सिंह पटेल ब्रजेंद्र कंसाना सहित सभी गणमान्य लोग बैठे वारपंच और महिला जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहा। कार्यक्रम रो संचालन गोकुल प्रसाद शर्मा करियो। मुख्यालय गांधीनगर में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर मीरा कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह समापन हुए। अवसर माथे स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्यार कार्यक्रम विजेता पुरस्कृत करो गयो। आपने बता दें कि वार्षिकोत्सव समारोह दौरान हुई राजस्थानी पारंपरिक और अन्य फिल्मी गीता माथे हुई छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। और भादसोड़ा में नवनिर्वाचित सरपंच शंभूलाल सुथार और उप सरपंच रतनीबाई जाट समस्त वार्ड पंच गणा ने शुभ मुहूर्त माथे पदभार ग्रहण करो। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में अतिथियों ने ढोल नगाड़े सागे स्वागत करो गयो। सरपंच शंभूलाल सुधार ने जनता रे कार्य माथे प्राथमिकता न सु करने वास्ते सरकारी योजनावां और ग्रामीण रे अधिकतम लाभ दिलाने राजनीति से ऊपर उठकर ग्राम विकास माए सभी रे सुझाव और सहयोग प्रदान री बात करी। ये अवसर माथे संजय बोहरा री ओर सु केलो रे सरपंच रो तोलो गयो। सागे ही आज खबरा में बस इतो ही। बने रहिजो मारसा के देखता रहिजो वीएमआर भारत टीवी। जते मने दो इजाजत खमागणी।